हेलो नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर आपके क्लास के लिए दिया है, क्लास 12 के लिए, उसमें एक पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी का 3 मार्क का क्वेश्चन दिया गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से आप उसका आंसर लिखेंगे। ये 3 मार्क जो है आप डेफिनेटली पूरे 3 के 3 यहाँ पे ला सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी सिंपल चीजें लिखनी होती है। जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं उसमें क्या क्या आंसर का एक्सपेक्टेशंस होता है, वो सारी चीजें हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे और इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस में आपको देने वाला हूं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आप इस पे आंसर लिख पाएंगे और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। द कोड गिवन बिलो रीड्स रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल नेम व्हीकल एंड डिस्प्लेज ओनली दोज रिकॉर्ड्स व्हिच हैव मॉडल लेटर देन 2010। तो एक टेबल दिया है व्हीकल, उसमें कुछ व्हीकल्स है जिनका मॉडल है 2010 के बाद वाला, तो उतने ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं, उसका पार्शियल कोड दिया है। द स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ टेबल व्हीकल इज वीआईडी इंटीजर, नेम स्ट्रिंग, मॉडल इंटीजर, प्राइस इंटीजर। तो ये 4 यहाँ पे दिए हैं। नोट द फॉलोइंग टू एस्टेब्लिश कनेक्टिविटी बिटवीन पाइथन एंड MySQL। तो पाइथन एंड MySQL के बीच में आपको कनेक्टिविटी चाहिए तो उसके लिए ये पैरामीटर्स कुछ ध्यान में रखने हैं। यूजर नेम रूट, पासवर्ड इज ABC। द टेबल एग्जिस्ट इन MySQL डेटाबेस नेम्ड ट्रांसपोर्ट। तो डेटाबेस का नेम ट्रांसपोर्ट है, यूजर का नेम तो रूट ही दिया है और पासवर्ड ABC दिया है। तो जो आपको क्वेश्चन में जो पैरामीटर्स दिए हैं उसी का आपको यूज करना है। अगर कोड में दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिल इन द ब्लैंक दिया है तो उसके लिए ये ध्यान में रखने वाली बात होती है। चलिए आगे कोड दिया है देखते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्ट MySQL.connector एज MySQL, तो पूरा दे दिया है ये। कुछ क्वेश्चन में आपको ये भी फिल इन द ब्लैंक में दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको लिख देना है पूरा MySQL.connector, तो ये फिल इन द ब्लैंक के तौर पे आ सकता है। तो उसके बाद फंक्शन क्रिएट किया है डिस्प्ले, कौन वन ऑब्जेक्ट लिया है कनेक्शन के लिए, MySQL.connect। तो कभी कभी इसमें भी फिल इन द ब्लैंक हो सकता है, तो इस फिल इन द ब्लैंक में आप क्या डालेंगे, MySQL.connect host इक्वल टू लोकल होस्ट, यूजर इक्वल टू रूट, पासवर्ड इक्वल टू ABC, डेटाबेस इक्वल टू ट्रांसपोर्ट। तो जो जो चीजें दी है उस तरीके से यहाँ पे डाली गई है। तो जो पैरामीटर्स क्वेश्चन में बताए हैं वो आपको लिखने हैं। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक दिया है इस क्वेश्चन में वो है ये स्टेटमेंट 1 फिल इन द ब्लैंक है। आगे देखते हैं, क्यू इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हीकल वेयर मॉडल ग्रेटर देन 2010। स्टेटमेंट 2, डेटा इक्वल टू डैश। स्टेटमेंट 3, फॉर REC इन डेटा प्रिंट REC। तो इस तरह का कोड दिया है, स्टेटमेंट में क्या क्या फिलअप करना है। स्टेटमेंट 1, टू क्रिएट द कर्सर ऑब्जेक्ट, तो 1 में कर्सर ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट होगा वो लिखना है। स्टेटमेंट 2, टू एग्जीक्यूट द क्वेरी दैट एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड्स ऑफ दोज व्हीकल्स हुज मॉडल इज ग्रेटर देन 2010। तो जिनका मॉडल 2010 है उसका यहाँ पे फिलअप करना है। टू रीड द कंप्लीट रिजल्ट ऑफ द क्वेरी इनटू द ऑब्जेक्ट नेम डेटा, और लास्ट में रीड करने के लिए है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इसका आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कर्सर क्रिएट करना है। तो कर्सर क्रिएट करने के लिए हमारे पास सिंपल मेथड है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कर्सर ऑब्जेक्ट, और जो आपके पास कोड में कनेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट दिया है वो ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे। तो कनेक्शन के लिए दिया है कॉन 1, उसके बाद आएगा डॉट कर्सर। तो कर्सर में कोई पैरामीटर नहीं होता, कर्सर एम्प्टी रहेगा, तो कॉन 1 डॉट कर्सर एम्प्टी रहेगा, कुछ आएगा नहीं। उसके बाद स्टेटमेंट 2 जो है, स्टेटमेंट 2 में एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट आपका होगा इसी से CR.execute। आप कर्सर को ही एग्जीक्यूट करते हैं तो CR.execute, और एग्जीक्यूट में आपकी जाएगी क्वेरी। तो क्वेरी के लिए वेरिएबल क्यू दिया है यहाँ पे, तो वो लिखेंगे। स्टेटमेंट 3 जो है, तो स्टेटमेंट 3 में सिंपल दिया है कि सारे रिकॉर्ड्स को फेच करने के लिए कौन सा कमांड आएगा, कौन सा फंक्शन आएगा। तो सिंपली डेटा इक्वल टू, ये भी आपका होगा CR.fetchAll। तो इस तरीके से आपको ये फिल इन द गैप्स में जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको फिलअप करना है। इसका पूरा प्रैक्टिकल भी देखते हैं हम। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं पाइथन ओपन कर लेता हूं। तो बेसिकली पाइथन हमारे पास जो है यहाँ पे 3.9 में चलता है MySQL कनेक्टर। तो मैं 3.9 देखता हूँ, इसको ओपन विद करेंगे, कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम दिया है उसको 3.9 के साथ। तो ये मैंने इतना यहाँ पे डाल के रखा है, ये मेरे कंप्यूटर में जो MySQL इंस्टॉल्ड है उसके हिसाब से यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस है, तो इस तरीके से डाला हुआ है। अब इसको, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 3.9 में अगर है तो ओके। देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं कि सक्सेसफुली रन होता है कि नहीं होता है। हो गया है, मतलब अब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। तो आगे
कर्सर क्रिएट करना है, CR इक्वल टू CN डॉट कर्सर। अब मैं आपको टेबल भी एक बार दिखा देता हूं कि टेबल में यहां जैसे ग्रेटर देन 2010 है मॉडल में, उसी तरीके से मुझे देखना है कोई पर्टिकुलर ईयर फाइंड आउट करेंगे। यूज स्पोर्ट्स, इसका साइज बढ़ा देते हैं। यूज स्पोर्ट्स, अब स्पोर्ट्स में यहां डालेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट, तो ये है, इसमें ईयर आता है डेट ऑफ ईडीएम में, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो क्या करना है, हमें ऐसे रिकॉर्ड ढूंढने हैं जो 2000 कोई एक पर्टिकुलर ईयर यहां देख लेते हैं, 21 सारे 21 के ही है, तो 21 के बाद वाले आने चाहिए, दो साल के 21 22, तो वैसा फैच करना है। तो चलिए देखते हैं, इसमें कर्सर क्रिएट कर लिया, क्वेरी में मैं लिख दूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम है पेशेंट, वेयर ईयर डेट ऑफ एडीएम ग्रेटर देन 2021। तो बिल्कुल उसकी तरीके से किया है जिसी तरीके से उसमें क्वेश्चन दिया है। अब आगे हमने जैसे बताया कि कर्सर तो हो गया, अब एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे, तो सीआर डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट के लिए हमारे पास क्यू ऑब्जेक्ट है। अब फैच करना है तो पर्टिकुलर वेरिएबल में डीटी इक्वल टू CR डॉट फैच ऑल, तो जो फिल इन द ब्लैंक में दिया था फैच ऑल वो डाल दिया। अब यहां पे प्रिंट करना है तो फॉर आई इन डीटी इसको ट्रैवर्स करेंगे, और पर्टिकुलर रो में प्रिंट करना है तो फॉर आई, इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास है अभी, चलिए देखते हैं। तो आउटपुट यहां आपको मिल जाएगा, जो भी है डेट टाइम डेट 22 के रिकॉर्ड्स यहां पे हमें मिल रहे हैं, तो इस तरीके से आएगा। अगर इसके साथ कोई पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक जो यहां पे दिए हैं उसमें पहला आंसर ये है आपका CR इक्वल टू CN डॉट कर्सर, सेकंड आंसर है CR डॉट एग्जीक्यूट क्यू, तो क्यू आएगा, और थर्ड है CR डॉट फैच ऑल। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको देता रहूंगा अलग अलग टाइप के। तो ये शुरू किया है, इसके आगे आगे वाले जो कमांड आते हैं तो उसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।